विख्यात जैन संत एवं नेपाल के श्री डॉक्टर मणिभद्र महाराज के सानिध्य में 37 दिवसीय भक्त अमर स्त्रोत अनुष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया। राजामंडी के जैन स्थानक महावीर भवन में इसका शुभारंभ हरियाणा से आए संत बाबा कालिदास महाराज ने किया। उन्होंने स्थापित कलश की रुद्राक्ष माला से पूजन कर स्थापित किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा कालिदास महाराज ने कहा, आज समाज में जो विकृतियां आई हैं उनसे धर्म ही बचा रहा है और आगे भी बचा सकता है। विख्यात जैन संत एवं नेपाल के श्री डॉक्टर मणिभद्र महाराज के सानिध्य में 37वां दिवसीय भक्तामर स्त्रोत अनुष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया। राजामंडी के जैन स्नानक महावीर भवन में इसका शुभारंभ हरियाणा के सांपाल से आए संत बाबा कालिदास महाराज ने किया। उन्होंने स्थापित कलश की रुद्राक्ष माला से पूजन कर स्थापित किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा कालिदास महाराज ने कहा कि आज समाज में जो विकृतियां आई हैं उनसे धर्म ही बचा रहा है और बचा सकता है। धर्म ही व्यक्ति को जीवन जीने की दिशा देता है और सत्कर्म की प्रेरणा देता है, इसलिए सत्कर्म करते रहने चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में संत कालिदास ने बताया कि उनके श्री शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम सांपाला आश्रम में वर्ष 2007 से विश्व शांति अखंड महायज्ञ लगातार कराया जा रहा है। उनका संकल्प है कि उनके जीवन काल में हमेशा यह यज्ञ होता रहे। इस यज्ञ से विश्व में शांति कायम रहती है। उल्लेखनीय है कि 47 साल से बाबा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। वे दिन में केवल 2 बार नारियल का पानी ग्रहण करते हैं। बाबा 21 किलो से अधिक की रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं। जैन मुनि डॉक्टर मणिभद्र ने पत्रकारों को बताया कि भक्तामर स्त्रोत नमोकार मंत्र की तरह बहुत प्रभावशाली होता है। उससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तामर स्त्रोत अनुष्ठान की अनूठी महिमा है। इस स्त्रोत से युगादि देव श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति की जाती है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक गाथा में अनेकानेक सिद्धि युक्त मंत्र हैं। इनके शब्दों का श्रवण और पठन करने से विभिन्न प्रकार की आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। तंबर स्तोत्र महायज्ञ महाराज श्री चला रहे हैं। इसका विषय मैं तुम्हारे श्री ने पहले बोल चुके हैं, बता चुके हैं। और ये तो देश में शांति सुरक्षा भाईचारा एकता अखंडता सब में जो जिस तरह से अभी विकृति आ रही है, इसको शांति के लिए महाराज श्री ने चतुर्मास आज इस महानगर का बीच में शुभारम्भ किए। ये शुभारम्भ से अवश्य देश में अखंड शांति होएगा, विकृति दूर होगा और भाईचारा बनेगा, एकता अखंडता बनेगा। आने वाला भविष्य भारत विश्व गुरु में परिणत होने का संभावना, ऐसे ऋषियों का तपस्या से होने का संभावना है। यही हम यही बोलना चाहते हैं। भक्तांबर स्त्रोत्र एक महान स्त्रोत्र है। जिन शासन में इसको सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है, तो आज हमने 37 दिन के लिए ये जो भक्तांबर स्त्रोत्र शुभारम्भ किया है, क्योंकि 12वीं 11वीं शताब्दी के ये जैन आचार्य हुए और जैन आचार्यों के साथ जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो उन्होंने अपने इष्ट देव आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए जो उन्होंने 48 तालों को बिना किसी पुरुषार्थ के उन्होंने सिर्फ अपने आराध्य देव की स्तुति करके ही उन 48 तालों से मुक्ति प्राप्त की, तो आज सर्वमान्य ये स्तोत्र है। तो इस तरह विश्व कल्याण के लिए विश्व में शांति हो, तो उसके लिए हमने अनुष्ठान को शुभारंभ किया। और इस शुभारंभ के समय में हमारे परम मित्र पूज्य श्री परम हंस कालिदास जी महाराज साहब का भी इस कार्यक्रम में आना हुआ और आपका सानिध्य में इस अनुष्ठान को हमने शुभारंभ किया है। समन्वयक विवेक कुमार जैन के अनुसार भक्तामर स्त्रोत की रचना मानतुंगा आचार्य जी ने की। इस स्त्रोत का दूसरा नाम आदिनाथ स्त्रोत भी है। यह संस्कृत में लिखा गया है। प्रथम अक्षर भक्त पर होने के कारण ही इस स्त्रोत का नाम भक्तामर स्त्रोत पड़ गया। उपाध्यक्ष शलील बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने भक्तामर स्त्रोत का स्वयं अनुभव किया है, उससे उनके अनेक संकट दूर हुए हैं और आत्मिक शांति मिली है। इस प्रकार के अनुष्ठान आज ही नहीं हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और रहेंगे। भक्तामर स्त्रोत संपुट महासाधना के प्रथम दिवस के प्रथम गाथा के लाभार्थी होने का लाभ सुराना परिवार ने लिया। शुक्रवार के आयोजन में नरेश चपलावट
मुकेश जैन, अशोक जैन, गुल्लू, शशि जैन, अनिल जैन, संदेश जैन, उज्ज्वल जैन, रंजीत सुराना, वैभव जैन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।